हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल कर रहे होंगे। परीक्षा भी अनिश्चित है, कब टल जाए कब न टले इसकी कोई भी संभावना अभी व्यक्त नहीं की जा सकती है। इस वजह से आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, इस दुविधा में मत रहिए कि आपकी परीक्षा टल रही है या नहीं टल रही है। जब परीक्षा होनी है तो परीक्षा होगी, आप बस सावधान रहिए और घर पर रहकर खूब पढ़ाई करिए। आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए परीक्षा आने तक। इस वजह से खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, निश्चिंत मत होइए कि परीक्षा शायद टल जाए तो अभी पढ़ाई करने से क्या ही मतलब है। इस वजह से ये जो सीरीज चल रही है आपकी, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंत तक इसमें बने रहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी प्रश्न जो है आपके यहाँ पर, जो आने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और यह ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम 2017 के हिंदी के प्रश्न पत्र को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए में है होश और लोग, ऑप्शन बी में है प्राण और बल, ऑप्शन सी में है हस्ताक्षर और जनता। तो एक वचन पूछा है यहाँ पर, हस्ताक्षर तो यहाँ बहुवचन है लेकिन जनता एक वचन है। दोस्तों यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा मुझे ऐसा लगता है। तो जनता तो एक वचन, जनता जो है हमेशा जो है एक वचन ही होता है, तो यहाँ पर बहुवचन नहीं है जनता, तो यहाँ पर हस्ताक्षर लेकिन यहाँ बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा और जनता। ठीक है ना, यहाँ पर आपने देखा वर्षा भी एक वचन में हमेशा प्रयोग होगा और जनता भी एक वचन में हमेशा प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर वर्षा और एक वचन, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो एक वचन में ही हमेशा प्रयोग होंगे, उनका बहुवचन नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका बहुवचन ही रहता है हमेशा, वो कभी एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे लोग हमेशा बहुवचन रहेंगे, हस्ताक्षर बहुवचन ही होगा, प्राण हमेशा बहुवचन के लिए ही प्रयोग होगा, आदम सूचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन रहेंगे, जैसे आप हो गया आपका। तो यहाँ पर ये सारे जो शब्द होते हैं, ये हम हो गया, तो ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, इनका एक वचन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, बहुत सारे शब्द एक वचन के होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, वर्षा हो गया, वर्षा के साथ साथ जल हो गया। अगर हम जल की बात करें तो, एक मिनट, जल की बात करें तो जल हो गया, वर्षा हो गया, क्रोध हो गया, ये सारे जो शब्द हैं ना, वो हमेशा एक वचन की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा यह एक वचन की तरह प्रयोग किए जाएंगे। प्रेम, मोह, वर्षा, जल, जनता, ये सारे जो शब्द हैं वो हमेशा एक वचन की तरह ही प्रयोग किए जाएंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न, मैं साफ करके यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। सबसे पहले हमारा विकल्प यहाँ पर डी सही है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वह क्या कहता है कि मानक हिंदी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है, इन चारों में से एक शब्द है जो अशुद्ध लिखा गया है वह पहचानना है। यह कैसे आप पहचान पाएंगे, जब आपको शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्दों के बारे में पता हो, वर्तनी के बारे में पता हो, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में पता हो। यह बहुत आवश्यक है कि आप लिखना अच्छे से जान जाएं, सीख जाएं कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हिंदी तो ठीक लिखा हुआ है, हिंदी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे विद्वान इस हिंदी लिखने को ठीक मानते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वान यहीं पर इस तरह के लिखे हुए हिंदी शब्द को ठीक मानते हैं, लेकिन दोनों तरह से हिंदी लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैं जब आपको पढ़ा रहा था वर्ण विचार, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, यहाँ पर आप चाहे तो अनुस्वार लगाएं, यहाँ पर यहाँ आधा ना लगाएं, यह अनुस्वार आधा ना की तरह यहाँ कार्य कर रहा है, क्योंकि यह दा जो है ना उसके बाद लगा हुआ है, यह त वर्ग में आता है, त थ द ध। एक मिनट, ध और ना, यह दा जो है ना यह
ता वर्ग में आता है और ता वर्ग का पांचवां वर्ण जो है वह ना होता है, इस वजह से यहाँ पर आधा ना लगाया जा सकता है या तो यहाँ पर अनुस्वार लगाया जा सकता है। यह अनुस्वार न की तरह भी कार्य करेगा और यहाँ पर यह अनुस्वार की तरह भी कार्य करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम अगर जैसे पंचम लिखते हैं, नहीं पंचम नहीं, कुछ और शब्द लेते हैं, जैसे एक शब्द हम लेते हैं कंपन, कंपन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और कंपन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह ऐसा कैसे लिखा जाएगा, आप देखें यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, उसके बाद पा है और प फ ब भ म अगर लिखते हैं, प फ ब भ और म लिखते हैं, तो यहाँ पर जो प है ना, यह प वर्ग का पहला वर्ण है और इसमें जो पांचवा वर्ण है यानी कि अनुनासिक वर्ण जो है वह म है, तो इस अनुस्वार को हम माँ की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से चंचल शब्द अगर हम लिखते हैं, चंचल, तो यहाँ पे चा है ना, और चा वर्ग का पांचवा वर्ड क्या होता है, इया होता है, इस वजह से अनुस्वार को हम इया में बदल सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं, चंचल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप उनमें शुद्धता और अशुद्धता पहचान सकते हैं, ठीक है ना, कैसे वो है। तो यहाँ पर हिंदी बहुत सारे विद्वान इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा शुद्ध बहुत सारे विद्वान हिंदी को अनुस्वार की तरह लिखने को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्धता को लेकर इतनी ज़्यादा विवाद नहीं होती है इस शब्द को लेकर। लेकिन यहाँ पर और भी जो शब्द हैं उनको देख लेते हैं एक बार, हम मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर दूसरा शब्द है स्थाई, स्थाई को दोस्तों इस तरह से नहीं लिखा जाता है, स्थाई हमेशा स्थाई ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, या पर बड़ी की मात्रा लिखा जाएगा, यहाँ पर स्वर नहीं लिखा जाएगा। जब भी स्थाई लिखेंगे तो स्वर इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर या पर बड़ी की मात्रा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक शब्द मैं लिखता हूँ चाहिए, चाहिए, चाहिए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहिए को इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा शुद्ध ये माना जाएगा जिसके अंत में यहाँ पर ए लगा होगा यानी स्वर लगा होगा, या पर एक ही मात्रा नहीं, जो क्रिया होती हैं उनके अंत में जब स्वर लिखा होगा वही शुद्ध माना जाएगा क्रियाओं के, जैसे करिए, कहिए, जो भी स्वर होंगे, जो भी क्रिया होगी, क्रिया के अंत में ए ही लगना चाहिए, वो शुद्ध माने जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी मत भिन्नता है बहुत सारे विद्वानों में, बहुत सारे विद्वान इसको सही मानते हैं और बहुत सारे विद्वान इसको भी सही मानते हैं, तो दोनों में बड़ा जो है मत भिन्नता रहती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर विद्वान इसको सही मानते हैं जहाँ पर ए लगा होता है, ठीक है ना। वो देखिए इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर ए और या क्यों लगा, क्यों यहाँ पर बहुत सारे विद्वान कहते हैं यहाँ पर स्वर होना चाहिए और बहुत सारे विद्वान कहते हैं नहीं, व्यंजन पे यहाँ पर स्वर चढ़ा होना चाहिए, ऐसा इसलिए है। देखिए हिंदी के साथ क्या है ना, भाषा वही शुद्ध मानी जाती है, वही अच्छी मानी जाती है जिसमें वर्णों का कम प्रयोग हो, जिसमें शब्दों का, अक्षरों का कम प्रयोग हो। और यहाँ पर आप देखिए चाहिए में या एक अतिरिक्त वर्ण आपके साथ जुड़ जाता है यहाँ पर, और इस चाहिए में ए के बाद कोई भी एक वर्ण नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर या के बाद ए जुड़ा है, यानी दो वर्ण एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पर एक ही वर्ण आ रहा है ना, तो यहाँ पर वर्णों का कम प्रयोग हुआ है और अपनी बात को कह दिया गया है। इस वजह से बहुत सारे विद्वान इस वाले चाहिए को, इस चाहिए को ज्यादा सही मानते हैं, ठीक है ना। वैसे दोनों में मत भिन्नता है, लेकिन यहाँ पर स्थाई शब्द इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, यह अशुद्ध होता है। स्थाई शब्द हमेशा इस तरह से ही लिखा जाए, या पर बड़ी की मात्रा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्दों के बारे में आपने जान लिया कि चाहिए कैसे लिखना चाहिए, चंचल वगैरह जो भी शब्द हैं आपने यहाँ सभी शब्दों के बारे में अच्छे से जान भी लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्थाई शब्द इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, स्थाई शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे नागनाथ वैसे डैश, यहाँ पर आपको भरना है सही क्या होगा, लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए, यहाँ पर आपसे लोकोक्ति को पूर्ण करने की बात की जा रही है। जैसे नागनाथ वैसे डैश, सांपनाथ, रामनाथ, श्यामनाथ या सोमनाथ, इसमें से कौन सा हमारा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। कहने का मतलब क्या हुआ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे नागनाथ हैं ठीक उसी तरह से सांपनाथ है, मतलब दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों दुष्टों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, दोनों ही दुष्ट हैं, दोनों ही बेड़ा गर्क करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सांप और नाग में जिस प्रकार कोई भिन्नता नहीं है, सांपनाथ भी जिस तरह से है वो भी डसेगा और नागनाथ भी डसेंगे, ठीक है ना। दोनों के डसने पर आप स्वर्ग सिधार जाएंगे, ठीक है, उसी तरह से इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। दुष्ट दुष्ट होता है, दो दुष्ट हमेशा एक ही तरह के होंगे, उनमें कोई अच्छा या बुरा दुष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस लोकोक्ति का यही अर्थ होता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न जो है वह कहते हैं कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, पहचानिए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों बहुत सारे शब्दों में हम जब कृष्ण के अंत में अगर आ लगा दें, बड़ा आ लिख दें, तो यह जो है स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे तनुज, तनुज में जब हम बड़ा आ लिख देते हैं तो यह तनुजा हो जाता है, और यह स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्दों का स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो कृष्ण शब्द में हम बड़ा आ लिख दें तो यह कृष्णा हो जाएगा, और कृष्णा शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहां पर आपको वैसे भी देख के लग रहा है कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे कृष्ण हूबहू लिख दिया गया है, यह तो होगा नहीं। कृषा लिखा हुआ है, कृषा तो होगा नहीं क्योंकि कृष्ण होना चाहिए उसमें, कृष्ण लिखा हुआ है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यह तीनों गलत हो गए। बचता कौन है हमारा, विकल्प ए बचता है जिसमें आ की मात्रा लगा दी गई है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जैसे दुहिता होता है ना, दुहिता, दुहित में आ शब्द लगा देने से, यहाँ पर आ लगा देने से, बड़ा आ लिख देने से यह स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी तरह से कृष्ण में आ लगा देने से यह स्त्रीलिंग बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, वह कृष्णा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह सही हो जाएगा हमारा विकल्प ए। अब अगले हम प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था ना, वह धनपत राय था, धनपत राय, यह धनपत राय इनका नाम था, लेकिन इन्होंने प्रेमचंद के नाम से कहानियां लिखना शुरू किया था। यह 1907-08 की बात है जब अंग्रेज इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे। इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा था, 5 कहानियां उसमें छापी थी, सोजे वतन का संग्रह किया था इन्होंने एक कहानी। उसमें जो है यह नवाब राय के नाम से कहानियां छापते थे, ठीक है ना। नवाब राय, यह जो है साहित्यिक नाम इनका नवाब, ये साहित्य में नवाब राय मैं लिख देता हूं, के नाम से कहानियां लिखते थे। और इनकी जो कहानी संग्रह, 5 कहानियों का संग्रह था, एक पुस्तक थी वो सोजे वतन। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोजे वतन किसकी रचना है, तो किसकी रचना है सोजे वतन, प्रेमचंद की रचना है, ठीक है ना। तो सोज ए वतन, प्रेमचंद उर्दू के बड़े अच्छे विद्वान थे, ठीक है ना। तो यहां पर यह उर्दू का ही नाम है, कई जगहों पे आपको सोजे यहां पर एक ही मात्रा मिलेगा, लेकिन इसको लिखने का सही तरीका सोज ए वतन ही है, ठीक है ना। यहां पर बिंदी लगा दीजिए। तो 5 कहानियों का संग्रह था, इसमें भारत में औपनिवेशिक शासन की काफी बुराई करी गई थी, अंग्रेजों की काफी बुराई करी गई थी यहां पर, और अंग्रेज इस बात से नाराज थे प्रेमचंद से। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इनकी इस पुस्तक को जला दिया और प्रेमचंद को धमकी दी, अगर तुम इस बार लिखोगे तो तुमको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस बात से प्रेमचंद थोड़े से खिन्न हो गए, चूंकि साहित्यकार की कलम किसी भी डर से, किसी भी बाधा से रुक नहीं सकती है, वह जो कहना चाहता है वह कहकर रहेगा, चाहे उस पर कितने भी प्रतिबंध क्यों ना लगा दिए जाए, ठीक है ना। तो यहां पर होता क्या है, इनको 1907-08 के आसपास दया नारायण निगम जो थे वो जमाना पत्रिका के संपादक थे, तो उर्दू की पत्रिका आती थी जमाना के नाम से, उसके संपादक थे वो, कौन थे, मुंशी दयानंद नारायण, ठीक है ना, दया नारायण निगम नाम था उनका। तो उन्होंने इनको प्रेमचंद्र नाम दिया, ठीक है ना, यह बात आप
जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, या परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि शायद इस परीक्षा में ना पूछा जाए, लेकिन बहुत सारी और परीक्षाओं में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मुंशी दयानंद दयानारायण निगम, मुंशी दयानारायण निगम, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम था जमाना। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जमाना पत्रिका के संपादक कौन से कौन थे? तो मुंशी दयानारायण निगम थे, और इन्होंने ही अमृत राय को, नवाब राय को प्रेमचंद नाम दिया था, मुंशी प्रेमचंद नाम दिया था, ठीक है ना। कब दिया था ये? करीब 1907-8 की बात है, वो सन अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि सोजे वतन उसी समय छपी थी, और उसी समय इनका विरोध भी हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, और उसी के आसपास इनको यह नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका कोई अभी पुख्ता जो है वो भी नहीं मिलता है कि यह नाम कब दिया गया था इनको, उसी के आसपास ही दिया गया था यह नाम, ठीक है ना। तो खैर यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि कब यह नाम दिया गया था। हाँ, अगर आप ऊंची परीक्षा दे रहे होते कोई PGT या उससे ऊंचे स्तर की, तो हो सकता है वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते थे। चलिए यहाँ पर अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। हमारा विकल्प पांचवें में कौन सा सही है? ए सही है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है छठे प्रश्न में कि वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी संबंधी सही शब्द कौन सा है? अभिनेता, यहां पर अभिनेता ऐसे नहीं लिखा जाता है, अभिनेता जो है ऐसे लिखा जाता है। भा पर छोटी की मात्रा यहां पर होगा, उन्नति को हम इस तरह नहीं लिखते हैं, उन्नति में ता पर छोटी की मात्रा होती है, उन्नति हम इस तरह से लिखते हैं। अवनति भी हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, अवनति भी जो है यहां पर कैसे लिखा जाएगा? अवनति हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो पूर्ति लिखा हुआ है यह एकदम सही लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द सही शब्द कौन सा है? यहां पर ऑप्शन डी सही है, विकल्प डी हमारा सही है, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? लुटिया शब्द का चार विकल्प दिए गए हैं, लुटिया, 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 लुटियाएं, लोटे। तो यहां पर चारों में से विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। लुटिया में यहां पर चंद्र बिंदी लगा देंगे यहां पर, तो यह जो है बहुवचन बन जाएगा, तो लुटिया हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शंस हमारे हैं, विकल्प हमारे हैं, इधर उधर करना, मना करना, टाल मटोल करना, या बुराई करना। चारों में से कौन सा सही है? आनाकानी करने का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को टालना या टाल मटोल करना, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? वह ग्राम थी, यह सबको पता है, बच्चे बच्चे को यह बात पता है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी, ठीक है ना। और ग्राम कहानी का जो प्रकाशन था वह 1910 ईस्वी में हुआ था, इंदु पत्रिका में, इंदु पत्रिका। एक मिनट, इंदु पत्रिका में इस कहानी का संपादन हुआ था 1910 में। कहानी का नाम क्या था? ग्राम था, और यह इनकी पहली कहानी मानी जाती है, ठीक है ना। और जो इंदु पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त, अंबिका प्रसाद, ये बा है, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, अंबिका प्रसाद गुप्त। दोस्तों अंबिका प्रसाद गुप्त जो थे वह जयशंकर प्रसाद के ना भांजे थे, प्रसाद के भांजे, और
इन्हीं प्रसाद जी के ही, जयशंकर प्रसाद जी के ही मार्गदर्शन में इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन भी किया था। प्रेमचंद प्रसाद जी का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान भी था और यही मार्गदर्शन करते थे जो है इस पत्रिका के संपादन में, ठीक है ना। तो अंबिका प्रसाद गुप्त भी काफ़ी अच्छे साहित्यकार रहे, इन्होंने नाटक वगैरह काफ़ी अच्छा लिखा है, तो इनका भी एक बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, ठीक है ना। 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था, इंदु पत्रिका में हुआ था। और पहली कहानी का क्या नाम था इनके, पहली कहानी का नाम था ग्राम, ठीक है ना। बाकी ये सारी कहानियाँ भी इन्हीं की ही हैं। अब हम देखते हैं अपनी अगली अपने अगले प्रश्न को। यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि किस भाषा के लिए 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों 1995 में M.T. वासुदेव को मलयालम भाषा के लिए सम्मानित किया गया था, मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तरंग शब्द का समानार्थी चयन करें, तरंग शब्द का सही समानार्थी क्या होगा, ठीक है ना। तो तरंग का सही समानार्थी तो तुरंग होगा नहीं, तुरंग मतलब तो घोड़ा होता है, ठीक है ना, तुरंग मतलब घोड़ा होता है, तो यह तो सही होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उर्मी जो है, ठीक है, बिल्कुल उर्मी मतलब तरंग ही होता है, इस वजह से हमारा विकल्प क्या है, बी सही हो जाएगा, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, हमको दूसरा ही विकल्प मिल गया जो सही है, ठीक है ना, उर्मी। तो 11वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की कृति है, ठीक है ना, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की कृति है। भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अच्छा यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ और यहाँ। भक्तिन किसका है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी, और यहाँ महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी यहाँ पर भी है। यहाँ पर प्रसिद्ध क्या है, जीवनी है या संस्मरण है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भक्तिन संस्मरण है, संस्मरण है यह, ठीक है ना। और यह किसकी है, महादेवी वर्मा की, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ वर्मा, ठीक है ना, वर्मा जी, अच्छा महादेवी वर्मा की का यह संस्मरण है, भक्तिन के नाम से इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। और भी बहुत सारे इनके संस्मरण है, जैसे मेरा परिवार हो गया, पथ के साथी, यह सारे जो है इनके और भी संस्मरण है, यहां लिख लेते हैं मेरा परिवार, मेरा परिवार हो गया और पथ के साथी, यह दोनों इनके संस्मरण हैं, ठीक है ना। अब इनके और भी रचनाओं की अगर हम बात कर लें तो रश्मि इनकी एक रचना है, और तिरछी रेखाएं, नहीं माफ करिए, तिरछी रेखाएं इनकी नहीं है, एक मिनट, दीप शिखा इनकी रचना है, सप्तपर्णा इनकी रचना है, रश्मि इनकी रचना है। तो और भी जो मेरा परिवार, पथ के साथी, दीप शिखा, सप्तपर्णा, रश्मि और सांध्य गीत बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। निहार भी इनकी एक रचना है, ठीक है ना, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, इन सबको लिख लीजिएगा। मैं कुछ लिख देता हूं जो कठिन है, सप्तपर्णा, चलिए और भी लिख देता हूं, निहार, रश्मि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, जिसमें से सांध्य गीत, सांध्य गीत इनकी रचना काफी प्रसिद्ध है और परीक्षा में पूछी ही जाती है, ठीक है ना। और मैंने दीप शिखा लिखा कि नहीं, दीप शिखा भी लिख लीजिए, दीप शिखा, यह दो जो है इनके क्या है, संस्मरण है, और बाकी जो है इनकी और रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, विकल्प हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा 12वें प्रश्न का। देखिए यहाँ पर ये सारे जो भी रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये काफी सभी काफी महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, 100% इनकी चांसेज हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था,
तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए मिला था। हिम तरंगिनी इनकी एक रचना थी जिसके लिए इनको क्या हुआ था 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और एक मिनट, माखनलाल चतुर्वेदी को, हाँ बिल्कुल, साहित्य अकादमी पुरस्कार की ही बात हो रही है यहाँ पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार की ही बात हो रही है। तो हिम तरंगिनी के लिए 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। अब हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि अनुचित लोकोक्ति का चयन करिए, मतलब जो ठीक नहीं लिखा गया है उसका आपको चयन करना है। अधजल गगरी पलटत जाए, बिल्कुल पहला ही तो यहाँ पर गलत है, यही जो गलत है, अधजल गगरी पलटत जाए नहीं होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ पर बाकी तो सही है, आगे कुआं पीछे खाई बिल्कुल सही है, अपनी पगड़ी उसके अपने हाथ, मतलब अपनी इज्जत आपके ही हाथ होती है, यह जो है इसका अर्थ है, ठीक है ना। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब बातें बहुत बड़ी बड़ी हों और काम के कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर संकट होना, हर तरफ संकट होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह तीनों सही है और यह जो है हमारा गलत है, क्योंकि यह पलटत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर छलकत होना चाहिए। तो अनुचित लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है। दोस्तों जब मैं अलंकार आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, कई जगह तीन प्रकार के भी कहे जाते हैं, जिसमें उभय अलंकार होता है, मैंने बताया भी था आपको उभय अलंकार, ठीक है ना। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से अलंकार सौंदर्य लाने का प्रयास किया जाए वह शब्दालंकार होते हैं, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से अलंकार लाने का यानी सौंदर्य लाने का प्रयास किया जाए वह क्या होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अर्थालंकार नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार तो अर्थालंकार है, विभावना अलंकार भी अर्थालंकार ही है, क्योंकि यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार भी अर्थालंकार है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ निकालने पर, भाव निकालने पर यहाँ पर सौंदर्य प्राप्त होता है आपको। काव्य सौंदर्य कब प्राप्त होता है, जब उसका अर्थ निकालते हैं। शब्द तो साधारण होंगे लेकिन वहां पर क्या होगा, जब उसका भाव निकालेंगे तब वहां पर क्या होगा, सौंदर्य निकलेगा, वहां पर अलंकार तब आपको उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन श्लेष अलंकार जो है ना वह शब्द के माध्यम से उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं और यही तो काव्य की सौंदर्य है कि एक ही शब्द लिख दिया उसी में दो दो अर्थ छिपे हों, ठीक है ना। यही ना एक काव्य का सौंदर्य ही तो है कि एक शब्दों में दो या दो से अधिक शब्द जो है अर्थ छिपे हुए हैं, ठीक है ना। तो रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो सून। यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जो है पानी शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, अलग अलग भाव में इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि दो ही लाइनों में बहुत सारी बातें, बहुत दो ही पंक्ति में बहुत बड़ी बातें कह दी गई हैं, कई बातें कह दी गई हैं एक साथ, यह भी तो अलंकार है ना। तो यहाँ शब्द के माध्यम से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर श्रृंगार उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा, सौंदर्य उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए शब्द अलंकार जो होते हैं ना वह चार होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर अनुप्रास जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, शब्दालंकार का ही एक भेद है। अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की भिन्नता, वर्ण जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कौन कौन से, यहाँ पर तरण तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, और कल के क्लास में हमने एक दोहा भी देखा था, वहाँ पर भी जो है वह क्या था, अनुप्रास अलंकार था, ठीक है ना। जहाँ पर वर्णों का जो है, वर्णों की आवृत्ति होगी बार बार, पुनरावृत्ति होगी, वह क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये सारे जो हैं क्या हैं आपके, शब्द अलंकार हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब होगा। विकल्प आपके दिए हुए हैं, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय उपमान में समानता की स्थापना हो। इन चारों में से कौन सा सही होगा, जब हमारे उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है तो वह क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको यह पढ़ा रखा है, आप अलंकार की क्लास जाकर प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मानो नील नील मणिशैल पर आपत परत प्रकाश, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कृष्ण ने जब पीला परिधान ओढ़ लिया है, पीले वस्त्र पहन लिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे
नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह पीली प्रकाश जो है सूर्य की पड़ रही हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमेय में ही उपमान की कल्पना कर ली जा रही है, ठीक है ना। मैंने बहुत डिटेल में वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कब होगा, जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही होगी, ठीक है ना। जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसमें ही, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको देखें। यहाँ पर क्या हो रहा है, नीलमणि शैल में ही जो है क्या हो रहा है, कृष्ण की कल्पना कर ली जा रही है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, यानी कृष्ण के श्याम शरीर को, शरीर पर जो है पीला वस्त्र ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीलमणि शैल पर तुरंत तुरंत प्रकाश की किरणें पड़ रही हो पीली पीली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। यह मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है वह डैश कहलाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान की, एक मिनट, ये कभी कभी हैंग करने लगता है भाई। तो रिक्त स्थान की क्या करना है, आपको पूर्ति करना है। यहां पर यह मास जो चंद्रमा की गति होगा, यहां पर कि रीति होगा, यहां पर गति होगा या रीति होगा, गति और रीति लिखा हुआ है। यहां पर मलमास लिखा हुआ, यहां पर मलमास भरा जाएगा या चंद्रमास भरा जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसको चंद्रमास बोलेंगे, बिल्कुल चंद्रमा की गति के हिसाब से जो गिना जाएगा, गति के हिसाब से उसको क्या बोलेंगे, हम चंद्रमास ही ना बोलेंगे। हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा 17वें का। अब 18वां प्रश्न है कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। यहाँ पर विकल्प आपके क्या क्या दिए हुए हैं, सीता, जानकी, राधा और पार्वती। सीता और जानकी यह दोनों तो एक ही हैं, ठीक है ना, यह दोनों एक ही हैं, जानकी और सीता यह दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। जनक सुता भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो जानकी यानी जनक की पुत्री, ठीक है ना, कौन है वो, सीता मैया है। और सीता तो कहते ही हैं, वैदेही भी कहते हैं सीता जी को, एक और नाम है इनका वैदेही। पृथ्वी पुत्री है या पृथ्वी पुत्री भी कहते हैं इनको। तो यहां पर क्या हो गया, हमारा ए और बी तो होगा नहीं, ठीक है ना। वृषभानु की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, भानु, वृषभानुजा होगा, ठीक है ना। वृषभानु की पुत्री, वृषभानु की पुत्री कौन थी, राधा थी। राधा रानी कौन थी, वृषभानु की पुत्री थी। राधा मैया वृषभानु की पुत्री थी, इस वजह से इनको वृषभानुजा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पार्वती की बात करें तो यह उमा, इनका नाम क्या हो जाएगा, उमा हो जाएगा, ठीक है ना। और उमापति कौन है, भगवान शिव है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, राधा, यहां पर राधा कहते हैं। और अगला प्रश्न जो है वह क्या है कि बहुत सुस्ती में से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। जो बहुत सुस्ती से काम करता हो उसके लिए कौन सा मुहावरा सही होगा, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कौवा चले हंस की चाल। देखिए 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मतलब 9 दिन तक चलते रहे और चले कितना, सिर्फ अढ़ाई कोस चलते रहे। यह विकल्प एकदम सही है, जो आलसी व्यक्ति होता है या फिर जो बहुत धीरे धीरे कार्य करता हो, मतलब 9 दिन तक कोई चलता रहा और सिर्फ अढ़ाई कोस, यानी बहुत कम चल पाया, ढाई कोस ही चल पाया। एक कोस में करीब करीब 3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करवा ढाई कोस ही चल पाया, ठीक है ना। तो यह बात कही जा रही है, मतलब 9 दिन तक चलता रहा वो, हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। चोरी का माल मोरी में, मतलब जो चोरी किया है उसको हड़प के रख लेना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब निहायत ही कंजूस होना। कौवा चले हंस की चाल, मतलब जो आपका गुड़ नहीं है, जैसा आपका गुड़ नहीं है वैसा आपको, वैसा आप प्रतीत करवा रहे हो किसी को, ठीक है ना। तो यह जो है हमारा विकल्प, जैसे हम भारतीय क्या करते हैं, कौवा चला हंस की चाल की तरह तो कार्य करते हैं ना, हम हैं हिंदुस्तानी और गाते रहते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं आएगी फिर भी हम अंग्रेजी बोलेंगे जरूर, ठीक है ना। हमको भले ही दिक्कत हो वेस्टर्न कपड़े पहनने में, भले ही हमको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन हम चूंकि मॉडर्न होने के चक्कर में, हम आधुनिक होने के चक्कर में उनको पहनते जरूर हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए भी कहा जा सकता है कौवा चला हंस की चाल, ठीक है ना। तो हम कौवे की तरह हैं और
कोशिश करते हैं हंस की तरह चलने की, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि हरिशंकर प्रसाई व्यंग के साहित्यकार कहे जाते हैं, ठीक है ना, व्यंग के साहित्यकार बोले जाते हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाएं बहुत सारी की हैं। बहुत आनंद आएगा अगर आप हरिशंकर प्रसाई की रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो यहाँ पर हरिशंकर प्रसाई जी किस तरह के साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हरिशंकर प्रसाई व्यंग के लिए जाने जाते हैं। व्यंग्यात्मक रचनाएं इन्होंने खूब करी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। जैसे रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर प्रसाई की एक रचना है, और इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जैसे ज्वाला और नल, ठीक है ना। इनकी और भी जो ये सारी रचनाएं हैं, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और नल हो गया, और हंसते हैं रोते हैं, ठीक है ना, इनकी एक रचना है, लिख लीजिए इसको, मैं बोल दे रहा हूँ। हंसते हैं रोते हैं इनकी एक रचना है, रानी नागफनी की कहानी इनकी एक रचना है, ज्वाला और नल भी इनकी एक रचना है, तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है, इस बात को ध्यान में रखना है, तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि महादेवी वर्मा के भी संस्मरण के बारे में आपसे पूछा गया है, तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है। और ज्वाला, अच्छा चलिए, ज्वाला और नल जो है यह इनका उपन्यास है, ज्वाला और नल उपन्यास है, और तट की खोज भी इनका उपन्यास है, ठीक है ना। अच्छा, रानी नागफनी की कहानी से एक और रचना याद आती है, इंशाअल्लाह खान की रचना है रानी केतकी की कहानी। यहाँ पर नागफनी की जगह पर केतकी, रानी केतकी की कहानी, वह किसकी रचना है, इंशाअल्लाह खान की रचना है, ठीक है ना। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंशाअल्लाह खान की रचना है रानी केतकी कहानी, परीक्षाओं में पूछा ही जाता है निश्चित तौर पर, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी लिख लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, मैं जो अंडरलाइन किया है ना, जो रेखांकित भाग है अग्र, इसको ही तो रेखांकित किया गया है यहाँ पर, एक मिनट में साफ कर देता हूँ फिर से। अब देखिए यहाँ पर अग्र को क्या किया गया है, यहाँ पर रेखांकित किया गया है ना। अब अग्र का जो है क्या पूछा जा रहा है आपसे, विलोम पूछा जा रहा है। तो अग्र मतलब आगे, पश्चिम मतलब पीछे, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, हमारा विकल्प सी बी सही हो जाएगा, पश्च, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी जब यहां पर हम देख रहे थे, पहला प्रश्न आप याद करिए, यहां पर एक वचन, जब मैं यहां आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया यहां पर तुरंत कि जब जो आदर सूचक शब्द होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, आदर सूचक शब्दों के लिए हमेशा यहां पर बहुवचन का ही प्रयोग होगा। तो यहां पर आदर सूचक, आदर देने वाले या बड़प्पन वाले जो शब्द होते हैं वह हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक है ना, बहुवचन, सदा बहुवचन होंगे ये, ठीक है ना, हमेशा यह बहुवचन ही होंगे, यहां पर सदा बहुवचन, और बहुवचन में यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर सदा बहुवचन और बहुवचन लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से यह बहुवचन होना चाहिए, सदा बहुवचन, और यहाँ पर हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, यहाँ पर एक वचन भी सही हो सकता है, बहुवचन भी सही हो सकता है, या सदा बहुवचन सही हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ भ्रम की स्थिति है कि बहुवचन हो या सदा बहुवचन हो, ठीक है ना। दोनों विकल्प सही है, यहाँ पर दोनों विकल्प सही है, मुझे लगता है उस टाइम में डाउट का प्रश्न रहा होगा, बिल्कुल ये डाउट का प्रश्न रहा होगा। और ज़्यादा अगर इसको सही माने तो कौन सा सही हो सकता है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर विकल्प सी ही सही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए कौन सा सही है, मेरे हिसाब से या सी सही होगा, आदर सूचक आदर देने वाले शब्दों को हमेशा बहुवचन में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप जाएंगे ही हम बोलेंगे, आप जाओगे कभी नहीं बोला जाता, ठीक है ना, अशुद्ध शब्द हो जाता है, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, इस वजह से मेरे हिसाब से सही होगा। वैसे यह भी सही हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ विकल्प ए नहीं सही हो सकता, विकल्प ए भी सही हो सकता है। अब अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं,
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का कौन सा उदाहरण है यह आपसे पूछा जा रहा है। मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैं वही सामान रखा, मैंने वही सामान रखा होगा, यह पूछा जा रहा आपसे कौन सा संदिग्ध है। यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, मैंने वही सामान रखा होगा, जहाँ पर भ्रम की स्थिति बनी रहे, ठीक है ना, संदिग्ध हो भूतकाल में, मैंने वही सामान रखा होगा, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने वही सामान रखा होगा। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, जहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, यह दोनों स्त्रीलिंग कहे जाते हैं, ठीक है ना। क्यों? जैसे हमें शब्दों का जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो ई शब्द का ही प्रयोग करते हैं, लड़का में ई जब लिख देते हैं तो बड़ी ई लिख देते हैं तो वह लड़की हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। इस वजह से छोटी ई और बड़ी को क्या बोलते हैं, हम हमेशा स्त्रीलिंग का शब्द बोलते हैं, यह पुल्लिंग नहीं है, ठीक है ना। बाकी जितने भी हैं वह पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आराम से आपने देखा विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, संगम शब्द में क्या होगा, यहाँ पर संगम इस तरह से लिखा जाएगा, संगम, ठीक है ना। संगम में यहाँ पर चंद्रबिंदी नहीं होगा, यहाँ पर अनुस्वार होगा, यहाँ पर अनुस्वार नहीं चंद्रबिंदी लगा हुआ है, तो यहाँ पर किस प्रकार की अशुद्धि है, यहाँ पर अनुनासिक तो दोनों है, ठीक है ना, यहाँ पर चंद्रबिंदी भी अनुनासिक है और यहाँ पर अनुस्वार भी अनुनासिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही है, यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा और उत्तर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार लगाना चाहिए था, इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको चंद्रबिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यहाँ पर वैभव होना चाहिए ना, वैभव। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी, ठीक है ना। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, उसी की यह पंक्तियां हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, और यह पंक्तियां हैं, पंक्तियां क्या हैं, पंक्तियां हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मी बाई झांसी में, राजमहल में बदी बजाई, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बंदोलों के सुबट बुंदेलों के क्या, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही कि वह आई झांसी में करके, ऐसे कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, यहाँ पर वैभव होगा, ठीक है ना, वैभव। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि, और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों भाषा को लेकर अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, 351 तक, फिर से लिख देता हूं, जो है भाषा को लेकर प्रावधान किया गया है इन सभी अनुच्छेदों में, 343 से लेकर 351 तक। और 343 वन में यहां पर भाषा को लेकर, हिंदी को लेकर यहां पर बात कही गई है, हिंदी को जो है राजभाषा बनाया गया है, संघ की भाषा बनाया गया, और देवनागरी लिपि को जो है राज की लिपि, संघ की लिपि कहा गया है, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को लेकर बात की गई है, और यह 14 सितंबर को बात की गई थी, 14 सितंबर 1949 में, ठीक है ना। उसी दिन हम जो है क्या करते हैं, हिंदी दिवस इसी वजह से मनाते हैं, ठीक है ना। आठवीं अनुसूची में हिंदी को जगह मिली है संविधान की, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। अरे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो हमारा विकल्प, मैंने आपको जब विशेषण पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जहां पर भी नापतोल की बात होती है तो वहां पर परिमाण की बात होगी, परिमाण को ही नापतोल कहते हैं। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहां पर पद्यांश दिया, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़िए और
रे, इसको पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक 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 स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यविचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही एक दशा को प्राप्त करते हैं, भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह आपको गद्य दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न आपका क्या है, प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, व्यविचारी होते हैं या अनुभाव होते हैं। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। सारे रसों के जो भाव होते हैं वो स्थायी होते हैं, ठीक है ना। स्थायी होते हैं सारे रसों के भाव, ठीक है ना। तो जब हम रस पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। रस को इतने आसानी से यहाँ पर नहीं समझा सकता, एक पूरी की पूरी क्लास चाहिए उसको समझने के लिए। तो यहाँ पर इसको हम समझें कि यहाँ पर स्थायी जो होगा, जो भाव होगा रसों का, वह हमेशा स्थायी रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि डैश स्थायी भाव कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चित्त का स्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाता है। प्रतिकूल तथा अनुकूल स्थितियां स्थायी भाव कहलाता है। रस का मूल भाव स्थायी भाव कहलाता है या विरोधी अविरोधी दशा जो है यह स्थायी भाव कहलाता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी आपको भरना है, ठीक है ना। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जो रस होता है ना उसका जो मूल भाव होता है वही क्या कहलाता है, वही स्थायी भाव कहलाता है। जो मूल भाव निकल के आता है वही स्थायी भाव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। रस का मूल भाव ही स्थायी रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा भी तो है पहले ही, रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। रस के मूल भाव को ही क्या कहते हैं, हम स्थायी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविकार शब्द को का उचित संधि विच्छेद छांटिए, उचित संधि विच्छेद छांटिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मनोविकार, तो मैं आपको जब संधि पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था, तो मनोविकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः विकार हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, मनः विकार। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है, ठीक है ना। 33 संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो सभी जो है रसों में उनका विचरण होता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते। स्थायी भाव होते हैं जो सभी रसों के एक निश्चित होते हैं ना, जैसे वीर रस का उत्साह संचारी भाव है ना, उत्साह एक भाव है जो स्थायी भाव है। लेकिन संचारी भाव होता है वो हमेशा जो है हर प्रकार के रसों में वह पाया जाएगा, हर प्रकार के रस में पाया जाएगा, मतलब वह संचरण करता रहता है। डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब रस पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत जो है कम शब्दों में इसको समझाया ही नहीं जा सकता मेरे हिसाब से, इस वजह से यहाँ पर आप इतना समझिए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और स्थायी भाव उनको कहते हैं जो स्थायी होते हैं, जो मूल होते हैं, जो कभी परिवर्तित नहीं होते। संचारी भाव हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, हमेशा भाव के हिसाब से वह परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर संचारी भाव उनको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। समानार्थी जोड़ों का जो यहाँ पर समानार्थी जो है कुछ लिखे हुए हैं, उपयोगी का समानार्थी ये है या ये है, ऐसे लिखे हुए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा अनुपयुक्त है, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है ना। उपयोगी का यहाँ पर लिखा हुआ है उपादेय, ये उपादेय ही लिखा होगा, एक मिनट, उपादेय या इष्टकर। यहाँ पर लिखा हुआ है उपयोगी के लिए उपादेय या इष्टकर, काक के लिए सारंग या मयूर, पुष्कर के लिए जलाशय या ताल, भूमि के लिए मही या धरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही है, काक मतलब जो होता है कौवा होता है, ठीक है ना, मयूर नहीं होता है, इसको तो मोर कहते हैं, ठीक है ना। और अगर हम सारंग की बात करें तो सारंग के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे, एक अर्थ नहीं हो सकता इसके, मुझे लगता है कम से कम 20-25 अर्थ होंगे इस शब्द के। मोर भी होता है इसका अर्थ, दिया भी होता है इसका अर्थ, आंचल भी होता है,
बहू को भी सारंग बोलते हैं बहुत सारे जगहों पे, तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है ना। शेर भी होता है इसका, तो सिंह होता है, ठीक है ना। धनुष मतलब सारंग होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर काक मतलब होता है कौवा, लेकिन यह दोनों इसके अर्थ नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करत सुभाए। मतलब जो निंदक हैं उनको अपने पास रखना चाहिए, हमेशा अपने घर में रखना चाहिए, और बिना साबुन पानी के निंदक क्या करते हैं, आपके मन को सुंदर कर देते हैं, ठीक है ना, आपके स्वभाव को सुंदर कर देते हैं, ठीक है, निर्मल कर देते हैं, पाप मुक्त कर देते हैं, दोष मुक्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार ऐसे अलंकार को कहते हैं जहाँ पर विशेष तरह की बात की जा रही हो, ठीक है ना, जैसे किसी के बिना ही वह कार्य हो जा रहा हो, जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, ठीक है ना, बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के ही सुन रहा है, ठीक है ना, बिन कर्म विधि नाना, ठीक है ना, बहुत सारे कार्य वो जो है अपने बिना हाथों के ही कर रहा है, तो यह बड़ी विचित्र बात है ना। तो बिना हाथ के होने ही कार्य हो रहा है, बिना कान के होने पे ही सुनने का कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से बिना साबुन के होने पर ही आपका जो है मन निर्मल हो रहा है, बिना पानी और बिना साबुन के ही यहाँ पर स्वच्छता आ रही है ना, तो यहाँ पर तो कुछ थोड़ा विशिष्ट बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया अगर यह बात, तो आप अलंकार के उस क्लास को जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पर बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ समझा दिया है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं है, मैंने यह कब बोला, मेरे से मत उलझो घर जाओ। इन सब में से कौन सा सही है यह आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध कौन सा है, तो इसमें उसका घर मेरे को नहीं मालूम, मुझको मालूम नहीं, यहां मुझ होना चाहिए, ठीक है ना, तो यह गलत हो गया, मैंने यह कब बोला, यह भी अशुद्ध ही है, और मेरे से मत उलझो, मुझसे मत उलझो यहां होना चाहिए। यहां पर विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। यहां पर उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। आयात किस शब्द का विपरीतार्थी शब्द है, आयात और निर्यात दो शब्द होते हैं, आयात मतलब किसी चीज़ को मंगाना, निर्यात मतलब किसी चीज़ को भेजना। जब किसी देश से या किसी राज्य से हम कोई सामान मंगाते हैं या कहीं से कोई सामान मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं, और कहीं पर जब हम भेजते हैं व्यापार के लिए तो उसको निर्यात बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आगमन मतलब आना, आयत मतलब होता है, इसको आयत बोलते हैं, इस आकार को आयत बोलते हैं, और आयत मतलब मंत्र भी होता है एक तरह से, ठीक है ना। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, उर्दू में आयत को मंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें काफी प्रसिद्ध रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की, माटी की मूर्तें, ठीक है ना, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मैंने कल राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं के बारे में आपसे बात कर ली थी, ठीक है ना, और आपने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, पिछली वाली क्लास को, उसमें मैंने राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं के बारे में बात करी है आपसे, ठीक है ना। तो यह आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की प्रगति, यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रगति होना चाहिए, उन्नति प्रगति तरक्की, इसमें से क्या होगा, ठीक है ना। तो राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति है, राष्ट्र की उन्नति में देशवासियों की प्रगति है, राष्ट्र की प्रगति में देशवासियों की उन्नति है। तो यहाँ पर राष्ट्र की प्रगति में देशवासियों की उन्नति है, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, विकल्प सी सही हो जाएगा 38वें में। यहाँ पर भरना था आपको, फिरना ब्लैंक्स करना था, कुछ खास करना नहीं है, ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति भी है, आपने इसको कई बार प्रयोग भी किया होगा, रचनाकार किसी निबंध का ही एक हिस्सा है, उसमें यह पंक्तियाँ हैं कि राष्ट्र की प्रगति ही देशवासियों की उन्नति है, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, जानश्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, जंगल में मोर जो है वह नाचने लगे श्याम को देखकर, उनको लगा जो घन श्याम को देखकर उनको क्या लगा, घन श्याम यानी काले बादल छा रहे हैं, मोर कब नाचते हैं, जब बादल काले छाते हैं ना आसमान में तभी ना, और श्याम को देखकर उनको लगता है कि घन श्याम जो है छा गया यानी काले बादल छा गए और वो नाचने लगे। तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है ना, तो जहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे पुत्र ने अपने माँ के सर में चोटी को देखकर सर्प की अनुभूति, सर्प जो है उसको लगा, सर्प होने का, सांप होने का भ्रम हुआ और वह रोने लगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, माँ की चोटी लंबी है और बेटा गोद में है, उसने देखा पीठ पर यह क्या लटक रहा है, चोटी है या सांप, तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। नारी बीच साड़ी की, साड़ी बीच नारी, साड़ी और नारी में यहाँ पर फर्क नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है, ठीक है ना, भ्रांति हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। मैंने आपको अलंकार बहुत डिटेल में पढ़ाया, तीन तीन चार चार क्लासेस में इसको पढ़ाए और इस पर बहुत सारे प्रश्न भी मैंने आपको कराए हैं, वहाँ पर इसका एक अलग से सेशन मैंने प्रश्नों का भी कराया है, प्रैक्टिस सेट भी कराया है, 30-40 प्रश्नों का, 20-25 प्रश्नों का करीब, उसको आप देख लीजिएगा जरूर, बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। अब अंतिम प्रश्न हमारा है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है ना। यहाँ पर जब अचानक, कहीं पर अचानक जैसा शब्द आए ना, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अचानक शब्द का कहीं पर भी प्रयोग होगा, एकाएक, अचानक, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है ना। विशेषण आप जो है, क्रिया विशेषण अभी हम पढ़ेंगे तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो यह 40 प्रश्न थे, आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने साथ पढ़ने वालों को इसको जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे और भी जो परिवर्तन या फिर और भी कुछ नया जोड़ा जा सकता हो वो हम यहाँ पर कर सकें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे प्रश्न भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप अपने प्रश्न का उत्तर भी पा सकते हैं, और भी रोज़ रोज़ जो वहाँ पर क्विजेज होते हैं, प्रश्न जो आपसे वहाँ पर डाले जाते हैं, उनका भी आप हल करके अच्छी खासी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, और बहुत सारी सूचनाएँ वहाँ पर आपको आए दिन दिए ही जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।